सभी बोलते हैं जगन्नाथ जी की स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टोरी है, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, वो स्वयं उनकी सेवा करने के लिए आ गए। कर्म का जो सर्कल है ना, कर्म का चक्र है, उससे तो मैं खुद नहीं बच पाया। कौन है ऐसा जो मेरी सेवा कर रहा है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं? बस था वो सारा का सारा स्वयं जगन्नाथ जी पर आ गया। हरे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है साहिब, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जगन्नाथ जी के बारे में। रथ यात्रा चल रही है, आपको पता है जगन्नाथ जी रथ यात्रा से पहले 15 दिन बीमार हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, वो सारी की सारी कथा मैं आपको आज बता रहा हूँ। एक स्टोरी है प्रॉपर, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज की जो स्टोरी है वो है जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं। ये हर साल ही होता है, हर साल जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए बीमार पड़ते हैं, तो मैं आज आपको वो स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जगन्नाथ जी एक्चुअल में भगवान कृष्ण का ही रूप हैं। जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा माता, ये तीनों भाई बहन हैं, और जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में इनका टेम्पल है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सुना होगा माधवदास जी के बारे में, तो ये एक्चुअल में स्टोरी है माधवदास जी की। सभी बोलते हैं जगन्नाथ जी की स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टोरी है माधवदास जी की। माधवदास जी एक बहुत ही बड़े संत हुए हैं, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो डेली उनको उनकी आरती करते, उनको भोग लगाते, उनकी सेवा करते डेली, वो उनका ये काम था, डेली करते थे, सेवा करते थे। तो माधवदास जी जगन्नाथ की भक्ति करते, उनको उनको बहुत खुशी मिलती थी उनकी भक्ति करके, और कहते ये भी हैं कि माधवदास जी सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं जगन्नाथ जी के। एक समय ऐसा आया जब माधवदास जी का शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, मतलब वो बीमार होना शुरू हुए। उन्होंने फिर भी अपने शरीर को ना देखते हुए जगन्नाथ जी की भक्ति की, उनकी आरती की, उनको भोग लगाया, भोग लगाने के लिए जाते थे तो करते थे। लेकिन हम भी जैसे करते हैं, अगर हम भी किसी को कुछ करें, अपने शरीर, अगर हमारा शरीर तप रहा है, गर्म है, हम कुछ करेंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो वैसे उनके साथ हुआ, वो जैसे करते रहे करते रहे, वो शरीर ने जवाब ही दे दिया एक टाइम पे। अब उनका शरीर ऐसा हो चुका था, वो उठा भी नहीं जा रहा था उनसे बिस्तर से, मल मूत्र सब बिस्तर पर हो रहा था। और वो जगन्नाथ जी के अलावा उनका कोई था नहीं, वो इतने बीमार हो चुके थे, उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था, वो बिस्तर पे ही मलमूत्र करने लगे थे, बीमार हो गए थे, वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे, जैसे कह सकते हो आप आंखें भी नहीं खुल रही थी। ये सब चीज़ें भगवान से देखी नहीं गई, क्योंकि वो भगवान के इतने इतने उच्च कोटि के भक्त थे, तो भगवान से ये सब देखा नहीं गया। तो भगवान ने क्या किया, जगन्नाथ जी ने, वो स्वयं उनकी सेवा करने के लिए आ गए। जो माधवदास जी भगवान की सेवा कर रहे थे अभी तक, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जगन्नाथ जी रूप बदल कर माधवदास की सेवा करने आ गए। वो माधवदास जी की सेवा करते, उनके कपड़े चेंज करते, उनका मलमूत्र साफ करते, उनको नहलाते, उनको लाइक खाना खिलाते, ये सब कुछ वो करने लगे। कुछ समय के बाद माधवदास जी मन ही मन सोच रहे थे, कौन है ऐसा जो मेरी सेवा कर रहा है, मैं इतना बीमार पड़ा हूँ, मेरी सेवा कर रहा है। वो उनको पहचान भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं थे अभी। और जैसे ही माधवदास जी अपने कॉन्शियसनेस में आए, थोड़ा उन्होंने पहचाना, तो उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात जगन्नाथ जी हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय उनको रोका कि नहीं, आप रुकिए, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं, आप भगवान हैं, आप क्यों मेरी सेवा कर रहे हैं? जगन्नाथ जी ने उनको बताया कि जैसे आप मेरी सेवा करते हो, आप मेरे इतने अच्छे भक्त हो, मुझसे भी अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए आ गया, क्योंकि मुझसे आपका दुख नहीं देखा जा रहा था। माधवदास जी ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ आप मेरी सेवा करने के लिए आ गए हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप तो परमेश्वर हैं, आप ये पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, आप भगवान हैं, आप सबके पालनहार हैं, आप अगर चाहें तो यूं चुटकी बजाते ही मेरा सब दुख दूर कर देंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो जगन्नाथ जी बोले,
माधव दास आप सही कह रहे हो, मैं करने को एक मिनट में कर दूँ। जो जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, उन्हें बोला कि करने को मैं एक मिनट में आपका सब दुख दूर कर दूँ, लेकिन ये कर्म का जो सर्कल है ना, कर्म का चक्र है, उससे तो मैं खुद नहीं बच पाया, ये भोगना ही पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो कष्ट है, आपकी पीड़ा है, बीमार हो आप, ये सिर्फ 15 दिन का रह गया है, और अगर आप 15 दिन और सह लेंगे तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। माधव दास जी ने कहा कि मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे नहीं रहना इस पीड़ा में, मैं नहीं रह सकता, मुझे आपकी भक्ति करनी है, आपकी भक्ति के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी ने बहुत समझाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन माधव दास जी नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं जगत के पालनहार, मुझे आप स्वस्थ कीजिए, मैं आपकी सेवा कर सकूं। जगन्नाथ जी ने यह भी समझाया कि देखो, इन 15 दिनों के लिए, ये सिर्फ 15 दिन का चक्र है आपका कष्ट का, अगर मैं अभी मुक्त कर देता हूं आपको, तो इन 15 दिनों के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यही सिर्फ कष्ट काटने के लिए, क्योंकि कर्म है, कर्म से तो खुद स्वयं भगवान नहीं निकल पाए, तो कर्म हम अपने खुद बनाते हैं, कोई और चलकर नहीं आता हमारे कर्म करने के लिए, हम खुद ही अपने कर्म करते हैं। तो बहुत समझाया जगन्नाथ जी ने, उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं करना, मुझे बस आप किसी भी तरह स्वस्थ कर दीजिए। जब जगन्नाथ जी को लगा कि माधव दास जी सिद्ध कर रहे हैं, बीमार भी नहीं रहना चाहते क्योंकि वो उनकी सेवा करना चाहते हैं जगन्नाथ जी की, तो उनसे उनका ये दुख देखा नहीं गया, तो उन्होंने कहा माधव दास, सिर्फ 15 दिन का आपका कष्ट रह गया है, मैं नहीं चाहता कि इस 15 दिन के लिए आपको दोबारा इस भूलोक में आना पड़े, इस मृत्यु लोक में आना पड़े दोबारा, तो ये जो आपका 15 दिन का कष्ट है, ये मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूँ। अब देखो, माधव दास जी का जो कष्ट था, जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया, और वो जो 15 दिन के लिए माधव दास जी को कष्ट था, वो सारा का सारा स्वयं जगन्नाथ जी पर आ गया। हर साल रथ यात्रा से पहले जो 15 दिन होते हैं, इसमें भगवान एक लीला करते हैं अपने भक्त के लिए, माधव दास के लिए, जिसमें वो बीमार होते हैं, उनको काढ़े का भोग लगता है, उनको फ्रूट में जड़ी बूटियों को मिक्स करके भोग लगाया जाता है, ताकि जड़ी बूटियां कड़वी होती हैं तो उनको थोड़ा मीठा लगे, अच्छा लगे। तो 15 दिन पूरी सेवा चलती है, कपाट पूरे बंद होते हैं, ऑल्टर क्लोज किया जाता है, कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ पुजारी अंदर जाता है। तो ये हर साल लीला करते हैं जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी हर साल लीला करते हैं, और एक लीला ये करते हैं कि वो हर साल 108 कलश से अभिषेक करते हैं, मतलब उनका अभिषेक किया जाता है जगन्नाथ जी का, जिससे उनको ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भी लीला हर साल चलती है, जिससे जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बिल्कुल क्वारंटीन पीरियड में चले जाते हैं, उनको सिर्फ काढ़े का भोग लगता है और फ्रूट में मिला के जड़ी बूटियों का भोग लगता है, और कुछ नहीं खिलाया जाता 15 दिन तक। तो ये थी जगन्नाथ जी की स्टोरी कि एक्चुअल में जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं। तो आज आप सबको भी पता लग गया होगा कि जगन्नाथ जी क्यों बीमार होते हैं। जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम है साहिब, ऐसे ही मैं आपके सामने, आपके समक्ष स्टोरीज लेके आता रहूँगा, जो मुझे लगता है आपको पता भी है, कईयों को नहीं पता, लेकिन मेरा हक बनता है आपको बताने का। जितना मुझे पता था, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, वो सब मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में बता दिया। अगर कुछ रह गया हो या कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ का आंसर दे सकूँ, और अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर स्टोरी चाहिए तो वो भी मैं लेके आऊँगा, और ऐसे ही आपको हर हफ्ते एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ। ये स्टोरी बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उन तक आप पहुँचाइए। तब तक के लिए हरे कृष्ण। आप देख रहे थे STV।